नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल और शनि की युति की या मंगल शनि कंजंक्शन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, मंगल और शनि मार्स सेजन इस समय पे वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं या स्कॉर्पियो राशि में हैं। मंगल आप जानते हैं, मंगल जो है वो सिक्योरिटी का कारक है, साथ में चोट इंजरी एक्सीडेंट आर्म्स एम्युनिशन हथियारों का कारक हो गया, और ऊपर से शनि जो हो गया ये मौत का कारक है, समस्याओं का कारक है, दुर्भाग्य का कारण है, परेशानियों का कारण है, काम को जो है देरी का कारक भी है, काम में रुकावटों का कारक भी है। तो ऐसा फील होता है कि जब ये दो ग्रह इकट्ठे आ जाएंगे तो कोई ना कोई समस्याएं पैदा होंगी। साथ में जब मंगल है वो अपने घर में है और शनि जो है वह शत्रु के घर में, तो ऐसा फील होगा। और आप वीडियोस देखेंगे कुछ जो मंगल शनि पे होती हैं, या जो वेबसाइट देखेंगे पुस्तकें होती हैं, तो उसमें यही होगा, लिखा होगा कि जो मंगल शनि है जब भी वो इकट्ठे होंगे गोचर में तो दुनिया के अंदर काफ़ी समस्याएं होंगी, टेररिस्ट अटैक होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, परेशानियाँ होंगी। अब दो ग्रह जब मंगल और शनि इकट्ठे होंगे और एक ही घर में या एक राशि के अंदर, तो समस्याएं लॉजिकली जैसा हम जानते हैं कि ज्योतिष में कि होना संभव है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया और आप जानते भी हैं, मंगल शनि जो है वो बुरे ग्रह, तो इकट्ठे होंगे तो बुराई ही फैलेगी ऐसा लगता है। लेकिन अब हमें देखना ये है कि मंगल और शनि ये कब से इकट्ठे हैं और कब तक इकट्ठे रहेंगे, और इसके बीच बीच में क्या क्या घटनाएं आज तक हो चुकी हैं और क्या हो रही हैं और क्या होने की संभावना है। उम्मीद तो ये है कि जैसे मंगल शनि इकट्ठे हैं तो एक्सीडेंट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, टेररिस्ट अटैक होंगे, ठीक है। अब 12 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक मंगल जो है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में रहने वाला है। अब ये अभी इकट्ठे रहने वाला है, तो अब इस तकरीबन 12 जुलाई से 18 जुलाई ये सवा दो महीने हो गए। नॉर्मली वैसे मंगल की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस बार उतनी फास्ट नहीं है, तो ये करीब 2.25 महीने हो, और ये 1.5 साल के बाद ये रिपीट होता है, क्योंकि मंगल को पूरे जोडिया का चक्कर लगाने में 1.5 साल लगता है। तो हर 1.5 साल के आसपास हम कह सकते हैं मंगल शनि इकट्ठे होते हैं। अब बात आ गई कि 12 जुलाई और 18 सितंबर, अब इसके बीच में जो सबसे जो दुनिया में मेजर इवेंट है इस समय पे जो चल रही है, आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज जो डेट है वो है 18 अगस्त 2016। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट चल रहा है इस समय वो चल रहा है ओलंपिक्स, जो रियो डी जेनेरो या ब्राज़ील में हो रही है। अब एक्सपेक्टेशन तो टेररिस्ट अटैक की, लेकिन चल रहा है ओलंपिक। अब इसके अंदर लोग पदक भी जीत रहे हैं, कुछ लोग जो हैं पदक हार भी रहे। अभी वो 100 मीटर्स जो है वो तीसरी बार उसान बोल्ट ने जीता, और मंगल शनि की ही युति चल रही है। अब समझने की बात है, मंगल शनि इकट्ठे हैं तो उसान बोल्ट को जीत गए, जबकि अमेरिका का एक खिलाड़ी जो है वो 21 गोल्ड मेडल हो गए उसके। हिंदुस्तान आज एक ही गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल ले पाया। अब कुछ जगह हार हो रही है, कुछ जगह जीत हो रही है। अब ये मंगल शनि नहीं भी इकट्ठे होते तो भी यही होता, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कश्मीर की हालत, अगर हिंदुस्तान की बात है, कश्मीर की हालत अच्छी नहीं। टेररिस्ट अटैक हो रहा है इस समय पे, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक पहले भी हो रहा था, ये तो नहीं था कि ये पहले नहीं हो रहे थे। और ISIS की एक जो समस्या पिछले कई सालों से जो दुनिया को लिए चल रही है, तो ये मंगल शनि इकट्ठे थे या नहीं थे चली रही है। एक्सीडेंट तकरीबन रोज ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मंगल शनि इकट्ठे हो तभी एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हुए भी एक चीज आप ध्यान रखें कि आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी मंगल शनि इकट्ठे होते हैं तो थोड़े से बढ़ जाते हैं, बस इतना जरूर है, ये मान के। अब बढ़ जाते का मतलब क्या हो गया कि ये विश्व में यूं अगर हम समझ लें कि भी जैसे 100 एक्सीडेंट होते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं 110 हो सकते हैं,
कि कोई ना कोई एयर क्रैश अभी होते होते बच गया, आपको याद होगा तो दुबई के अंदर। और फ्लाइट तो खैर खराब हो गई, तो भाई जस्ट तो नुकसान हो गया, लोगों की जान बच गई, बहुत अच्छी बात। अब ये समस्याएं जरूरी नहीं मंगल शनि इकट्ठे हो तभी हो, लेकिन बढ़ जाती है। अब पहले समझते हैं क्यों बढ़ जाती है, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ कि ये इकट्ठे ना होने के बावजूद भी ये क्यों होती है। ठीक है, अब इसमें दो पहलू, एक मुंडेन इवेंट, एक इंडिविजुअल इवेंट। तो मुंडेन इवेंट जो हम लेते हैं, मुंडेन इवेंट का मतलब हो गया कि एक्सीडेंट तो रोज होते हैं, अब रोज ही गाड़ियां लगती हैं, हर शहर में लग जाती हैं, लेकिन मेजर एक्सीडेंट का क्या मतलब हो गया, अभी बस जो है जैसे कोई रोडवेज की बस है, अब उसकी टक्कर होगी, वो नदी में गिर गई, 25 आदमी की डेथ होगी या 10 आदमी की डेथ होगी, 30 घायल हो गए। इंडिविजुअल एक कार का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी को चोट लगी, वो इंडिविजुअल हो गया। इस तरह से हवाई जहाज क्रैश हो गया, 250 आदमी गुजर गए, इस तरह से कोई शिप डूब गया, ये मुंडेन इवेंट हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों पर समस्या आती है। ठीक, अब ये जो हो गया इसको कहते हैं मुंडेन इवेंट, या फ्लड हो गया, वोल्केनो एरप्शन हो गई, बादल फट गया, ये मुंडेन इवेंट। अब मुंडेन इवेंट मंगल शनि जब होंगे तो होने की संभावना बढ़ जाती है, और रीज़न उसका डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये दोनों मेलेफिक रहे हैं जैसा हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, ये स्कॉर्पियो में हैं और इकट्ठे हैं और बुरे हैं, तो मुंडेन इवेंट तभी होती है जब मेलेफिक ग्रह इकट्ठे हों, राहु शनि, मंगल शनि, मंगल केतु, शनि केतु, इस प्रकार से। अब ये क्यों होते हैं, असर होगा तो इंडिविजुअल पे, तो मुंडेन इवेंट भी तो होगा, तो अगर समझ लो 250 आदमी मर रहे हैं, तो 250 आदमी के 250 आदमियों वो मरेगा तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप अलग अलग पे ही असर देखेंगे ना। अगर हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखेंगे, एक आदमी जैसे 250 आदमी की डेथ हुई तो उसकी एक अलग हॉरोस्कोप है, उसकी भी डेथ हुई, दूसरे की भी होगी, तीसरे की भी, हर हॉरोस्कोप अलग अलग बता रही है कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इंडिविजुअल पे असर मंगल शनि अधिक क्यों डाल रहे हैं, वैसे क्यों नहीं डालते, इकट्ठे में भी क्यों डालते हैं, इकट्ठे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब उस समय पे बढ़ क्यों जाती है, जैसे देखते हैं कि मंगल शनि जो है वो स्कॉर्पियो में हो गए, अब कोई ना कोई इसकी डिग्री हो। अब हम एक आदमी का हॉरोस्कोप ले लेते हैं, समझ लो उसकी एयर क्रैश में डेथ हुई है, उसके साथ 250 ओवर की भी हुई, तो उसके हॉरोस्कोप में एक्सीडेंटल डेथ है, इन्हें हॉरोस्कोप। मुंडेन में अलग बात है, मुंडेन में सिर्फ मंगल शनि इकट्ठे हो गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ये नहीं कि हो गए। और इंडिविजुअल में क्या एक्सीडेंटल डेथ का कॉम्बिनेशन हो गया, 1, 4, 8, 12 और 6 और राहु और केतु कहां पर, दशाओं के अंदर, तो दशा भुक्ति अंत में राहु केतु आना आवश्यक है क्योंकि वो अचानक कोई इवेंट बताते हैं। और आठवां भाव एक्सीडेंट का, 12 लॉस का, 4 व्हीकल या दुख का हो गया, 1 इंडिविजुअल हो गया, 6 इंजरी हो गई। अब उसकी हॉरोस्कोप में दशाएं चल रही हो, साथ में मंगल शनि वृश्चिक राशि में आ गए, और अगर उसके ग्रह भी वृश्चिक राशि में है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह उस वृश्चिक राशि पे उसके इंडिविजुअल ग्रह पे उस समय पे विचरण कर रहे हैं, और अगर ये मंगल शनि भी खराब है और वो ग्रह भी खराब है तो उस पे असर आएगा, और वो पिन पॉइंट करेगा डेट को। और स्पेशली भी ये चीजें क्यों बढ़ जाएंगी और कब बढ़ जाएंगी, जब मंगल शनि की या तो डिग्री भी इकट्ठी हो जाए, तो मंगल शनि की डिग्री जो है वह 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक चलेगा, ये तकरीबन विदिन 1 डिग्री होगी, मतलब ये तकरीबन 15 डिग्री 50 मिनट पे आ जाएंगे शनि महाराज 22 अगस्त को, और मंगल जो है वो 15 डिग्री से 17 डिग्री,
तकरीबन 16 डिग्री हो गया, 15-17 डिग्री के बीच में 22 से 26 अगस्त तक रहेंगे, तो इस समय पे ये रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? अभी इकट्ठे हो गए। एक तो स्कॉर्पियो जो ग्रह यहाँ पर है उस पर वो विचरण कर रहे हैं, ऊपर से इकट्ठे भी हो, और साथ ही साथ अगर कोई एक प्लेनेट जो है वो स्टेशनरी हो तो क्या बना कि पहली चीज जो है वन प्लेनेट स्टेशनरी, दूसरा कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड सैटर्न, और प्लस माइनस 1 डिग्री आ जाए तो और बढ़िया, ठीक है। तीसरा दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव फॉर इवेंट। अब क्योंकि हम एक्सीडेंट की कॉम्बिनेशन बता रहे हैं तो एक्सीडेंट का अगर कॉम्बिनेशन आ गया तभी ये होगा। अब जब ये होगा तो ये दिन में ज्यादा होगा, मतलब कहने का क्या है कि 12 जुलाई से 18 सितंबर तक लगातार मंगल शनि इकट्ठे, तो रोज तो टेरिस अटैक, रोज एक्सीडेंट, रोज तो नहीं होगा, तो कब कब होगा? जब राहु केतु या कोई मेजर प्लेनेट जो है स्टेशनरी। अब चांस की बात है इस समय पे 18 अगस्त से लेकर तकरीबन 18 सितंबर तक जो ये पीरियड है राहु केतु तकरीबन स्टेशनरी। इट मींस ईच डे इज नाउ पॉसिबल टू हैव ए बिग इवेंट। नेगेटिव होने की संभावना आता क्या? ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नेगेटिव होगा ऐसा अखबारों में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अखबार ज्यादातर नेगेटिव खबर ही छापते हैं। अब ये मुंडेर इवेंट का हो गया, और इंडिविजुअल इवेंट में वो चलेगा ही, जब तक दशा भुक्ति अंतर उस इवेंट के लिए पॉजिटिव नहीं होगी तब तक नहीं होगी। तो मुंडेर इवेंट में तो दशा भुक्ति अंतर हम देख नहीं सकते, मुंडेर इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट में सिर्फ दशा भुक्ति अंतर का ही फर्क रहने वाला है। दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं इस बात पे कि क्या मंगल शनि हमेशा खराब इवेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि खराब इवेंट होगा या ठीक होगा। अब जब भी ऐसा कोई हवाई जहाज का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, तो अब क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी समस्या आ गई। लेकिन जो सर्वेयर होगा, जो सर्वे करना जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी फीस बन जाएगी। कुछ हो सकता है कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो जाए, वकीलों की भी फीस बन जाए, तो उनके लिए पॉजिटिव हो गए। तो हमें ये पॉजिटिव की बात समझ में आ रही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही कर रहे, कुछ लोगों का उसमें फायदा भी हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि उसान गोल्ड फिर भी जीत गया गोल्ड मेडल मंगल शनि, इसका मतलब क्या है कि हम यही हमेशा ना सोच के चलें कि वो मंगल शनि हमेशा खराब ही करेंगे। अब एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन हो गए तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा जिनकी जन्मपत्री में एक्सीडेंट हो गया, सर्वेयर की फीस बन जाएगी, इस तरीके से मर्डर हो सकता है, टेरिस अटैक मर्डर हो सकता है, और जरूरी नहीं कि मर्डर जो है वो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर एक्सेट्रा का ही हो, टेरिस का भी हो सकता है, टेरिस भी मरेंगे ना भाई, ये तो नहीं है कि वही मारेंगे, उनको भी मर सकते हैं। तो एक्सीडेंट टेररिस्ट अटैक में जो मर्डर का हो गया कॉम्बिनेशन वो डिफरेंट हो गया, दैट इज 7-8 प्लस मार्स, तो ये मर्डर का हो गया। अब इसी तरीके से वो समझ लेते हैं दूसरा, आप चलते हैं कि पॉजिटिव मंगल शनि पॉजिटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव मतलब जन्मपत्री में पॉजिटिव, और वो स्कॉर्पियो में भी बैठे और उसी में मंगल शनि आ गए, या कोई और ग्रह जो है पॉजिटिव बैठे और दशा भुक्ति अंतर पॉजिटिव चल रही है। अब जैसे उसान बोल रही है अभी विन से गोल्ड मेडल, वो भी लड़की वो पहलवानी में ले आई गोल्ड मेडल, कितने जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं अभी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल ले आए ओलंपिक में। इसी तरीके से अभी ये अगस्त सितंबर का महीना है तो अब 15 अगस्त है, एवरीवेयर देर वॉज एंजॉयमेंट, मंगल शनि इकट्ठे हैं, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में, उम्मीद थी उनमें बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, तो इफ दे आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से
जो है लोग कई लोगों की इसी दो महीने के अंदर जब मंगल शनि इकट्ठे हैं तो मैरिज की बात पक्की हो जाएगी, मैरिज भी हो सकती है। तो 2711 जिनका आ रहा है दशा भूख के अंदर में मंगल शनि में 2711 जन्म पत्री में मैरिज हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो खराब ही रिजल्ट दें, वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं नेगेटिव भी दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको कंक्लूड करें कि मंगल शनि जो है बुरे ग्रह हैं बिल्कुल ठीक, और मंगल शनि इकट्ठे होंगे तो बुरा असर डाल सकते हैं बिल्कुल ठीक। अब ये मंगल शनि मुंडे रिवेंट में बुरा असर तभी डालेंगे जब कोई ग्रह जो है वो स्टेशनरी हो जाए, मंगल शनि ये जो है ये इकट्ठे हो जाए, ठीक है, तब रिजल्ट उसका गड़बड़ाएगा। अब किस पे आएगा, जिसकी दशा भुक्ति अंदर भी खराब चल रही है और मंगल शनि जैसे वृश्चिक में है तो उसके ग्रह भी वृश्चिक में, ठीक है, तो समस्या होने की संभावना बढ़ गई। अब ये खराब होंगे तो खराब रिजल्ट आएंगे और यही अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, मैरिज हो मैरिज रिजल्ट आ जाएंगे, गोल्ड मेडल जीतना है बड़े जीतने के रिजल्ट आएंगे आ ही रहे। तो हमें बिल्कुल डर ही नहीं जाना कि मंगल शनि इकट्ठे होंगे तो रिजल्ट खराब ही आएंगे, रिजल्ट इंडिविजुअली अगर बात करेंगे तो वो दशा भुक्ति अंतर के ही आएंगे, जैसा ग्रह बोलेगा वैसे ही होगा। नेचुरली या नैसर्गिक ग्रह बुरा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अच्छे घर दिखा रहा है अच्छे घर रिप्रेजेंट करता है तो उसके अच्छे रिजल्ट। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नए ज्योतिष में आयाम आपके खुले होंगे। इसी तरह से इन वीडियो को देखने के लिए ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको मुझे लगता है कि और भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।